सो दिस इज एन आईफोन 13 एंड दिस इज एन आईफोन 13 प्रो। एंड बहुत लोग को लगता है कि इन दोनों में सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस। सो मेरा नाम है अश्विन एंड वेलकम बैक टू टेक सोबर। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा जो इन दोनों फोन को एक दूसरे से एकदम अलग करते, बिकॉज ये दोनों ही फोन कंप्लीटली डिफरेंट ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड में यू विल बी श्योर कि आपके लिए आईफोन 13 बेटर है या फिर आईफोन 13 प्रो। सो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आईफोन 13 में आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने मिलती है, जबकि आईफोन 13 प्रो में आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने मिलती है, विच ऑफकोर्स गिव्स अ गुड वेट टू द प्रो वेरियंट। दोनों में आपको अराउंड 44 ग्राम्स का फर्क मिलता है। मूविंग टू द डिस्प्ले, आपको दोनों में ही 6.1 इंच का ओलेड डिस्प्ले देखने मिलता है विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 2532x1170 पिक्सल एंड अ पीपीआई ऑफ 446। ऑल्सो आपको दोनों ही फोन में सिरामिक शील्ड्स देखने मिलते हैं। ये बेसिकली गोरिल्ला ग्लास का एक हायर फॉर्म है एंड जो कंपनी जो गोरिल्ला ग्लास बनाती है वही ये सिरामिक शील्ड्स बना रही है एप्पल के लिए। अब जब डिस्प्ले की बात कर ही रहे तो लेट मी टेल यू, आपको आईफोन 13 प्रो में प्रो मोशन मिलता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। फाइनली एप्पल, फाइनली। बट लेट मी टेल यू, आपको आईफोन 13 में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। जस्ट लुक एट द स्लो मोशन वीडियो। आईफोन 13 प्रो में जो आइकन है वो इतने इजीली स्लाइड हो रहे हैं, जबकि 13 में आपको एक हल्का फ्रेम ड्रॉप देखने मिल रहा है। एंड आपको ये डिफरेंस है ना रियल लाइफ में काफी अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज जब मैं आईफोन 13 प्रो यूज करके देन आईफोन 13 पे आया तब मुझे वो लैग फील हुआ। एंड आई रियली थिंक एप्पल को ना आईफोन 13 में एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो देना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो व्हाइल वी आर ऑन द डिस्प्ले, लेट मी टेल यू, आपको आईफोन 13 में 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है सेम एज लास्ट ईयर, जबकि आपको आईफोन 13 प्रो में 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बट यू नो द गुड थिंग इज, आपको दोनों ही HDR10 सपोर्ट के साथ 1200 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस देखने मिलती है। सो विद सन ओवर योर हेड यू कैन स्टिल इजीली वॉच अ वीडियो ऑन योर आईफोन एंड दिस माइट बी अ ग्रेट टाइम टू हिट द लाइक बटन। सो अब कैमरा सेक्शन पे आ जाते हैं, बिकॉज असली कहानी तो अब शुरू होगी। सो दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने मिलता है विद एफ एपर्चर 2.2। तो फिर फर्क क्या है? सो फर्क ये है कि 13 प्रो में आपको प्रोरेस फीचर देखने मिलता है। सो जो डिटेल्स है, जो डेप्थ है, वो आपको काफी ज्यादा क्लियर और हाई ग्रेडेड देखने मिलती है 13 प्रो में। ये डिफरेंस आपको सबसे ज्यादा तब पता चलेगा जब आप आउटडोर में शूट कर रहे होंगे। सो प्रोरेस एक कमाल का फीचर है एप्पल की तरफ से, नो डाउट। बट प्रोरेस का एक डाउन साइड भी है, इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। सो प्रोरेस एक कोडेक है आपको वीडियो एडिटिंग में हेल्प करने के लिए, जो काफी ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करता है आपके फोटोज और वीडियोस को। अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो, एक यूट्यूबर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप मुझसे रिलेट करोगे। बट ऑन द डाउन साइड, ये बहुत ही ज्यादा बड़े फाइल्स क्रिएट करता है। सो एज यू कैन सी, जब मैं प्रोरेस ऑन करता हूँ तब यहाँ मुझे दिखता है मैक्स टाइम 48 मिनट्स एंड एक 128 GB वेरियंट है। सो दिस मीन्स जब मैं प्रोरेस के साथ शूट करूंगा तब सिर्फ 48 मिनट्स में मेरा 128 GB ऑफ स्टोरेज फुल हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग यू शुड नो बिफोर बाइंग द फोन। बट अगेन, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो ये कमाल का फीचर है एंड ये आपको आईफोन 13 में नहीं मिलता। सो नाउ कमिंग टू द रेयर कैमरास, आपको आईफोन 13 में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिलता है विद एफ एपेचर 1.6 एंड अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है विद एफ एपेचर 2.4 विद 2x ऑप्टिकल जूम, जबकि आपको आईफोन 13 प्रो में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिलता है विद एफ एपेचर 1.5 एंड अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है विद एफ एपेचर 1.8। इसी के साथ आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है 12 मेगापिक्सल का विद एफ एपेचर 2.4 एंड आपको 6x ऑप्टिकल जूम भी देखने मिलता है। नाउ एज यू माइट हैव नोटिस्ड, आपको 13 प्रो में एक एक्स्ट्रा फीचर भी मिलता है जो कि है लाइडार सेंसर। ये आपको 3D मॉडलिंग के लिए, AR एप्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है एंड मैं वीडियो में आपको इसका एक डेमो भी दूंगा। फिलहाल लेट्स प्ले अ गेम। मैं आपको दो दो करके फोटोज बताऊंगा एंड आपको गेस करना है कौन सा वाला फोटो आईफोन 13 से खींचा है एंड कौन सा आईफोन 13 प्रो से। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओ बाय द वे, पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द रिजल्ट्स? हियर वी गो।
मुश्किल था राइट मेरे लिए भी। वैसे आपको कितने राइट मिले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो की बात करें तो आप दोनों ही फोन में 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो एंड 240 FPS तक शूट कर सकते हो एट 1080p। ऑल्सो आपको दोनों में ही सिनेमैटिक मोड का सपोर्ट भी मिलता है विच इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ एवरी जनरेशन। बट अगेन आपको 13 प्रो मैक्स स्लाइटली हायर एज मिलता है बिकॉज ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय ProRes। सो ये रहा एक वीडियो विद स्टेबलाइजेशन ऑन iPhone 13 एंड 13 प्रो ऑल्सो विथ ProRes ऑफ। नाउ इट्स हार्ड टू टेल विच इज बेटर बट यू नो वॉट्स मोर हार्ड, 86% ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियोज आर नॉट सब्सक्राइब। सो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे और कमाल वीडियोस लेके आता रहूं। सो अब प्रोसेसर पे आ जाते हैं। आपको दोनों ही फोन में A15 बायोनिक चिप देखने मिलती है विद 6 core GPU, बट आपको iPhone 13 में 4GB ऑफ रैम देखने मिलती है विद 4 core GPU, जबकि आपको iPhone 13 Pro में 6GB ऑफ रैम देखने मिलती है विद 5 core GPU। सो हमने बेंचमार्क टेस्ट किया एंड CPU टेस्टिंग में एज यू कैन सी सिंगल कोर स्कोर में ज़्यादा कोई फर्क देखने नहीं मिल रहा है, बट मल्टी कोर स्कोर में 13 प्रो हैड एन एज विद अ स्कोर ऑफ 4732। सिमिलरली GPU टेस्टिंग में 13 प्रो परफॉर्म बेटर विद अ स्कोर ऑफ 14408 एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कोर GPU। बट ओवरऑल दोनों का ही प्रोसेसिंग पावर कमाल का है। मैंने दोनों ही फोन पे गेमिंग किया एंड मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ऐसे कोई हीटिंग इश्यूज देखने नहीं मिले। बट 13 प्रो पे मुझे स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस देखने मिला बिकॉज ऑफ 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट। इट रियली हेल्प्स व्हाइल कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड आपको डे टू डे टास्क में 4GB रैम और 6GB रैम में इतना ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, या फिर जो एक्स्ट्रा 1 core GPU है उसमें भी इतना कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। ये फर्क आपको तब समझ में आएगा जब आप LiDAR यूज करोगे। सो LiDAR आपको AR के लिए एंड 3D मॉडल बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो मैं यहाँ पर LiDAR के हेल्प से इस रूम को स्कैन कर रहा हूँ ताकि इस रूम का एक 3D मॉडल बना सकूँ। सो बेसिकली LiDAR ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फेंकता है ताकि उस ऑब्जेक्ट का डेप्थ पता चल सके। तो इसलिए आपको उस ऑब्जेक्ट को ना हर एंगल से कैप्चर करना है। अब जितना प्रिसिशन के साथ करोगे उतना अच्छा मॉडल बन पाएगा। एंड एज यू कैन सी मुझे काफी मस्त 3D मॉडल मिल गया इस रूम का। एंड अगेन ये टाइम के साथ और बेटर होते जाएगा एंड आप जितने प्रिसिशन के साथ इसे यूज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो आप इसे सेव करके बाद में यूज भी कर सकते हो एंड दिस इज डेफिनेटली अ प्रो फीचर। नाउ कमिंग टू द बैटरी पार्ट, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। सो आपको iPhone 13 में 3227 mAh ऑफ बैटरी देखने मिलती है विद 18 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, जबकि आपको iPhone 13 Pro में 3095 mAh ऑफ बैटरी देखने मिलती है बट विद अ प्लेबैक टाइम ऑफ 21 आवर्स। सो इफ यू आर थिंकिंग कि iPhone 13 Pro में कम बैटरी होने पे भी ज्यादा का प्लेबैक टाइम कैसे, सो अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द एडाप्टिव रिफ्रेश रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स, आपको दोनों में सेम स्पीकर सेट देखने मिलता है एंड देयर वॉल्यूम इज प्रीटी लाउड। सो अभी आपको एक बेटर आइडिया आ ही गया होगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन iPhone 13 एंड iPhone 13 Pro। Now to get straight to the point, iPhone 13 Pro काफी मामलों में अच्छा है iPhone 13 से। रिफ्रेश रेट हो गया, कैमरा हो गया, ProRes हो गया और बहुत कुछ। बट iPhone 13 Pro आपके लिए तब भी यूजफुल है अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो या फिर एक वीडियो एडिटर हो या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो देन iPhone 13 इज जस्ट फाइन फॉर यू बिकॉज iPhone 13 आपको 80,000 रुपीज का मिलता है 128GB वेरिएंट। So, अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो then there is no point in paying 40,000 rupees extra for iPhone 13 Pro. So, now you get the point. दोनों ही फोन्स completely different audience के लिए बनाया गया है। So, now you can decide कि आप किस audience में आते हो। By the way, अगर आपको जानना है कि OnePlus 9 और 9RT में से ज्यादा बेटर फोन कौन सा है तो यार इस वीडियो को चेकआउट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपसे अगली वाले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन पीस।